तो दोस्तों स्वागत है आपका अयांश टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में फिर से एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो होने वाला है वो टेम्परेचर गेज के बारे में है। आज हम जानेंगे कि भाई टेम्परेचर गेज होता क्या है और टेम्परेचर गेज का प्रिंसिपल क्या होता है, ये कैसे काम करता है, तो ये पूरा प्रोसीजर आज हम जानेंगे। और साथ में हम इसकी अनबॉक्सिंग भी कर रहे हैं। ये नया टेम्परेचर गेज है जो कि मास कंपनी का है। टेम्परेचर गेज होता क्या है भाई? टेम्परेचर गेज एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, वो भी डायरेक्ट, मतलब कि ये डायरेक्ट टेम्परेचर मेज़र करने की मेथड है जो कि हमें, इसको हम टेम्परेचर को शॉर्ट फॉर्म में TG भी बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर गेज होता है। ये हमारा टेम्परेचर गेज आपको दिख रहा है, ये एक बॉक्स में आया है ऐसा, और इसकी जो मोटाई है जो कि सेंसर की, वो 6 mm है। तो ये कई सारे साइज़ में आते हैं, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm। तो ये हमें जैसी हमें रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पाइपलाइन में जैसे कि थर्मोवेल में जैसी हमें ज़रूरत होती है, उसी हिसाब से हम इनको यूज़ करते हैं। तो हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली है और आपको दिख रहा है मास कंपनी का है ये, 0 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस इसमें लिखा है, और सी मतलब डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे यूनिट भी लिखी है इसकी, एक पॉइंटर है इसके अंदर, और ये डायल है, ऊपर ग्लास लगा है, और ये थर्मोमीटर इसके ऊपर लिखा है। तो इस टाइप से ये हमारा टेम्परेचर गेज होता है, जो कि टेम्परेचर गेज होता है। और आप देख सकते हो इसमें, इसमें जो लीस्ट काउंट है वो 5 डिग्री सेल्सियस का है, तो अभी हमें टेम्परेचर जो दिखा रहा है 30 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। तो मतलब इसको हम अगर रूम में भी रखेंगे तो ये रूम का टेम्परेचर दिखा देगा, अगर हम जहाँ भी रखेंगे उसको वहाँ का खुले मतलब एम्बियंट टेम्परेचर भी दिखा देगा, जहाँ भी रखेंगे वहाँ का एम्बियंट टेम्परेचर दिखा देगा। तो वो अभी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा था। तो मैं बात कर रहा कि थर्मोवेल क्या होती है, ये थर्मोवेल होती है जिसमें हम टेम्परेचर गेज को लगाते हैं, ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये बायोमेट्रिक थर्मोमीटर, इसका जो प्रिंसिपल होता है उस पर ये काम करता है। तो बायोमेट्रिक थर्मोमीटर भी इसको बोला जाता है। इसमें बाई का मतलब होता है दो मेटल, दो अलग अलग मेटल होती हैं जिनको हम स्प्रिंग बनाते हैं, और जैसे टेम्परेचर देते हैं तो ये मेटल क्या होती है, एक्सपांड होने लगती है, मतलब कि लटकने लगती है। जैसे ये एक्सपांड होगी तो ऊपर रैक एंड पिनियम, इसका एक वो सिस्टम होता है, तो उसके तहत हमारा पॉइंटर मूवमेंट करता है, ठीक है। इसके अंदर पॉइंटर होता है, स्लाइडिंग बैरिंग होती है, रोटेटरेबल रोड होती है, हाँ ये रोटेटरेबल रोड के ही कारण ये मूवमेंट होता है। सिलेंड्रिकल पिन होती है, प्रेस इन स्टेम, हेलिकल बायोमेटल स्ट्रिप होती हैं, बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती हैं जो, और बायोमेट्रिक कनेक्टेड पिन स्टेम और बायोमेटल कनेक्टेड टू रॉड, ठीक है। इस टाइप से अंदर से ये टेम्परेचर गेज होता है जो कि हमारा बायोमेट्रिक प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बायोमेट्रिक प्रिंसिपल क्या होता है और हमारे अंदर टेम्परेचर गेज में होता क्या है, इससे कि कैसे काम करता है। तो ये आप बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रेशर गेज और टेम्परेचर गेज सेम सेम दिखते हैं तो अंदर भी सेम सेम होंगे, तो अंदर सेम सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो आप देख चुके होंगे ये किस टाइप से होता है, तो आपको समझ में आ भी गया होगा। तो भाई मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, तो अच्छा लगा तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें।